नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज शुक्रवार है और आज हम कुछ अलग विशेषताओं के साथ फ्राइडे मोमेंट को पेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री के शिक्षक का इंटरव्यू है ताकि उच्च माध्यमिक के छात्र इस विषय में अधिक और अधिक बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। और दूसरा, रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल रेल पार्क के हेडमास्टर की सलाह और बच्चों के साथ कुछ इंटरव्यू पेश करने जा रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज़ फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले अपिक, PSJ, TVS आसनसोल, कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709, और टोल फ्री नंबर आर 1800 1233 3993। एक फेमस केमिस्ट्री टीचर शोएब आलम का इंटरव्यू। नमस्कार, मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं केमिस्ट्री के टीचर के पास, शोएब आलम। आइए मिलते हैं हमसे। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे इस दर्शकों को। जी नमस्कार, मेरा नाम शोएब आलम है, यूजुअली लोग शोएब सर के नाम से जानते हैं मुझे। मैं आसनसोल में 2010 से पढ़ा रहा हूँ और काशीनाथ लाहिरी पब्लिक स्कूल में PGT केमिस्ट्री टीचर। ये एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है और विद इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स आई थिंक द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल जो है वो उसमें काउंट होने वाला है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, तो अभी ये कौन सा एग्जाम होने वाला है बोर्ड लेवल पर? जी, वेस्ट बंगाल बोर्ड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल अनाउंस हो चुके हैं HS का एग्जाम होने वाले हैं, और CBSE ISC प्रोबेबली 26th ऑफ अप्रैल डेट अनाउंस कर दी है। मेजर पेपर जो होने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, ये सब मे मंथ में होने वाले हैं। उनकी डेट आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, और 26th ऑफ अप्रैल है CBSE ISC। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड से के एग्जाम से मैं स्टार्ट करती हूँ, आप कौन से बुक रिकमेंड करेंगे अपने HS स्टूडेंट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी? वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली अगर केमिस्ट्री का मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो छाया पब्लिकेशन फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और फिजिक्स के लिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो फॉलो कर रहे हैं अभी वो है SL अरोड़ा। मैथमेटिक्स वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए जो फॉलो होते हैं वो है SND। और बायो के लिए क्योंकि अभी नेशनल एग्जाम हो चुका है नीट, तो जितने भी स्टेट्स हैं सबको एक पैटर्न पर स्टडी करना होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा NCERT बुक को फॉलो करने के लिए बायो के लिए। जैसे कि अभी एग्जाम का लास्ट मोमेंट है, एकदम लास्ट एग्जाम नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन के क्या क्या टिप्स देने चाहेंगे? जी, अगर वन बाय वन स्टार्ट करें, हम वेस्ट बंगाल बोर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड नियर अबाउट बच्चों का सिलेबस जो है वो लगभग एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। बहुत सा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है और बहुत सा एंड पर है, तो अभी फिलहाल सिर्फ एक मंथ हमारे हाथ में है। वो एक मंथ के अंदर जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए अपने आप को बोल रही हूँ। मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है, ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर चार है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एस बी कॉलेज रोड में। केमिस्ट्री पर उनका इंटरव्यू इस प्रकार है। शॉर्ट नोट्स रेडी करना होगा, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का बात करें अगर हम, तो हर एक चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखना और कॉन्सेप्ट को फिर इकट्ठा करना और फिर उसके ऊपर टारगेट करके न्यूमेरिकल बना, उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके न्यूमेरिकल बनाना और फिर वो न्यूमेरिकल बार बार प्रैक्टिस कर। और वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं टेस्ट पेपर के फॉर्म में आता है, जो ABTA के फॉर्म में हो या फिर मार्टिन एंड महतो के फॉर्म में हो, उन सब टेस्ट पेपर को सॉल्व करते वक्त एक चीज़ करना चाहिए बच्चों को कि उनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस कॉमन आ रहे हैं, फिजिक्स में कॉमन होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, 7-8 पेपर्स का बंच है, तो उसमें जितने कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए, एक जगह लिख लेना चाहिए और वो कॉमन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में आने का जो प्रोबेबिलिटी रखता है वो बहुत ज़्यादा रखता है। ये मैथ्स के लिए भी वैलिड है, ये फिजिक्स के लिए भी वैलिड है और ये बायो के लिए भी वैलिड है, अदर सब्जेक्ट के लिए भी वैलिड है। तो हमको टेस्ट पेपर सॉल्व करते वक्त सारा पेपर को कलेक्ट करके जो कॉमन टर्म्स है उसके अंदर जितने कॉमन क्वेश्चंस है उनको एक जगह कर लेना और एक जगह करने के बाद उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। जैसे कि CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या अपना मैसेज देंगे? देखिए CBSE एंड ISC बेसिकली अब जो ट्रेंड है वो है NCERT का ट्रेंड, यानी CBSE डोमिनेट कर रहा है इंडिया हर जगह, जितने भी सेंट्रल एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो JEE मेंस हो, चाहे वो IITs हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, ये सब का जो सिलेबस है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस है, CBSE को पैटर्न को फॉलो करने वाला, इसीलिए CBSE का जो कोर सिलेबस है वो NCERT के इर्द गिर्द घूमता है। तो CBSE एंड ISC को मैं खास स्पेसिफिकली कहूँगा कि NCERT के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए और NCERT पढ़ने के लिए उसका एक एक सिंगल सिंगल लाइन पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसमें जो इनटेक्स्ट का क्वेश्चन होता है वो करना बहुत ज़रूरी है और फिर एंड में जो टेन आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है उसको करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको टेक्निक याद रखना है कि लाइन बाय लाइन हम पढ़ें, सेकंड उसका इंटेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करें, दूसरा कि उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें और लास्ट के उसका एग्जांपल को भी हमने लिख करें उसको भी करें। अगर ये टेक्निक से हम पढ़ रहे हैं और 10 ईयर्स का बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उसे देख लें कि ये जो ट्रेंड है 10 साल में वो क्या पूछा जा रहा है उनसे, इस तरीके से अगर हम एक चैप्टर को करते हैं फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, तो इस तरीके से बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने का चांसेस हाई होगा। तो CBSE और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है, ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है, ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है, ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है, ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। केमिस्ट्री पर उनका इंटरव्यू इस प्रकार है। रेफरेंस बुक की बात करें तो NCERT के अलावा रेफरेंस भी लिया जा सकता है, जैसे केमिस्ट्री के लिए दिनेश बहुत अच्छी बुक है, मॉडर्न ABC बहुत अच्छी बुक है, ISC वाले बेसिकली नूतन फॉलो करते हैं, हमारे शहर आसनसोल में नूतन जो है वो फेमस है, लेकिन जैसा कि मैं कोलकाता में भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ का जो ट्रेंड है थोड़ा डिफरेंट है,
वहाँ नूतन से ज़्यादा लोग केएलचुक को पसंद करते हैं, तो यहाँ कुछ कुछ स्कूल फॉलो करते हैं केएलचुक को, जैसे एजी चसोतू फॉलो करता है, स्पेसिफिक स्कूल है जो फॉलो करता है। इवन हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में सारे बुक अवेलेबल है जो आईएससी से भी बिलोंग करते हैं, सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, इवन वेस्ट बंगाल से भी बिलोंग करते हैं। अच्छे बुक्स होने चाहिए रेफरेंस के लिए, वरना सीबीएसई आईएससी इस वक्त लास्ट मोमेंट में एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फोकस करे तो उसके लिए अच्छा है। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स उठाए जा सकते हैं, इस मामले में आपका क्या व्यूज है? जी बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं जो स्टूडेंट क्लास 11 पे ऑर्गेनिक में बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि क्लास 11 का केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक पार्ट है, अगर कोई उसको फोकस करता है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर शिप है, तो एनसीईआरटी बुक क्लास 11 पार्ट 2 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। हाँ, ये है कि उस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं किया, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स प्रेजेंट है सीक्वेंस वाइज, जैसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये पहला टॉपिक है। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट को अपना ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा करना है तो जो पहला चैप्टर पर उसको फोकस करना है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक फॉर्म है वो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर कमांड हासिल करने के लिए आपको रेफरेंस लेना होगा। उस रेफरेंस में आप छाया प्रकाशन का बुक यूज़ कर सकते हैं, आप दिनेश से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मॉडर्न एबीसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नूतन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरियस बुक्स है जो अवेलेबल है मार्केट में जहाँ से प्रैक्टिस किया जा सकता है। इवन बहुत सारे एंट्रेंस के बुक आते हैं, चाहे वो हिमांशु पांडे का बुक हो जीआरयू पब्लिकेशन का, या फिर वो वाइली पब्लिकेशन का बुक हो, या वो सिंगेज लर्निंग का बुक हो, जहाँ पर वैरायटी ऑफ नॉमेनक्लेचर आपको मिलेंगे, जो साइक्लिक, एसाइक्लिक, स्ट्रेट चेन और क्लोज रिंग वाला स्ट्रक्चर, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इस तरीके का नॉमेनक्लेचर के ऊपर अगर कोई सबसे पहले मेहनत शुरू करे और नेमिंग जो है उस पर कमांड हासिल करे, तो ये ऐसा है जैसे एक बिल्डिंग का पहला सीढ़ी फर्स्ट है। अगर कोई इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और नॉमेनक्लेचर को बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है उससे, तो बिल्कुल भी कॉमन लगेगा उसको ऑर्गेनिक ऐसा लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा हिस्सा कहा जाता है जिसमें छात्र को अधिक नंबर प्राप्त करने में मदद करते हैं। आइए सुनते हैं सर को। कॉमन लगेगा उसको ऑर्गेनिक ऐसा लगेगा जैसे फ्रेंड सर्कल में जैसे हम लोग घुल मिल जाते हैं, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसका दोस्ती होने लगेगा, क्योंकि नेमिंग ही सबसे पहला ऑर्गेनिक को ईजी बनाने का जो टेक्निक है वो सबसे पहला नेमिंग। अगर हम नाम पहचानने सीख गए साइक्लिक का, असाइक्लिक का, अक्सर लोग स्ट्रक्चर से डर जाते हैं, तो अगर मैं स्ट्रक्चर को इजीली डिटेक्ट कर पाता हूँ, उसका नेमिंग बता पाता हूँ, तो ये मेरे लिए इजी प्रोसेस होगा सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि ऑर्गेनिक में सबसे पहला सीढ़ी है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ही ये चैप्टर पर हमें कमांड हो जाता है फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आफ्टर नॉमेनक्लेचर, उस चैप्टर को कहते हैं आइसोमेरिज्म। फिर आइसोमेरिज्म में बहुत सारे डिवीजन है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, कॉन्फॉर्मेशनल है, बहुत सारे वैरायटी। तो सेकंड हम आइसोमेरिज्म पे फोकस करेंगे। क्लास 11 12 के लेवल पे हम लोग स्ट्रक्चरल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और एंट्रेंस के लिए हम लोग स्टीरियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर मेरा सेकेंड कोई प्रायोरिटी वाला चीज़ है ऑर्गेनिक में तो वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि इसके एप्लीकेशन जो है वो आगे पूरे के पूरे सिलेबस में होने वाले हैं। आफ्टर आइसोमेरिज्म जो मेरा थर्ड रिकमेंडेशन होगा ऑर्गेनिक के लिए, उसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जीओसी 1 के नाम से ये फेमस है। आप अगर राजस्थान जाते हैं कोटा वगैरह तैयारी करने के लिए, आकाश दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पर भी जीओसी 1 के नाम से वो लोग पढ़ाते हैं। जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं सब में जीओसी 1 के नाम से पढ़ाते हैं। आजकल तो बहुत सारे बुक्स आ गए जिसमें जीओसी 1 लिखा है, ऐसे टेक्स्ट बुक में जीओसी 1 नहीं मिलेगा आपको, वहाँ वो जनरल केमिस्ट्री ही बोलते हैं। तो जीओसी 1 जो है और जीओसी 2, ये दो अलग अलग पार्ट है। तो आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग जीओसी 1 पे आएंगे। जीओसी 1 जो है वो फंडामेंटल है, वहाँ आपको क्या सिखाया जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, या कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला होता है, कौन धक्का लगाने वाला होता है, और बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, किस टाइप से ब्रेक होता है, किस एनवायरमेंट में ब्रेक होता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसका, कंडीशंस क्या क्या है, ये बेसिक फंडामेंटल जो है ये सारा कुछ क्लियर होता है
आप जब जीओसी वन पढ़ते हैं, तो जीओसी वन थर्ड चैप्टर होगा ऑर्गेनिक में जिसपे कमांड होना जरूरी। जीओसी वन जैसे ही हम लोग रीच करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और वहां पहुंचने के बाद वो चैप्टर एंड हो जाता है। फिर हम लोग जीओसी टू स्टार्ट करते हैं और उसी एंड टॉपिक को पहले से स्टार्ट कराते हैं जहां इसका बहुत डिटेल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, SN1 हो, SN2 हो, SNI हो, SNGP हो, SN- हो, E1 हो, E2 हो, E1CB हो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो, 1-2 शिफ्ट हो, और परीक्षा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर तैयारी के बारे में जानते हैं सर से। इतना भी मैकेनिज्म ऑर्गेनिक के अंदर आता है, स्टेप बाय स्टेप जीओसी 2 में उसको सीखना पड़ता है। अगर हम लोग एक बार ये जीओसी 2 का सारा मैकेनिज्म पे कमांड हासिल कर लें, और उसके बाद अब हमारा क्या क्या चैप्टर रेडी हो गया, पहला आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा जीओसी 1, चौथा जीओसी 2, ये चार चैप्टर पे अगर कमांड हो जाए, और उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी में एंटर करते हैं, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम क्लास 12 में जाते हैं और पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल फेनॉल इथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हर एक चैप्टर के अंदर जब हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो यही सारे कॉन्सेप्ट हम रिपीट पाएंगे कि सब रिपीट हो रहा है, नेमिंग फिर से आ रहा है, आइसोमेरिज्म दोबारा से आ रहा है, फिर से जीओसी 1 का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, फिर से मैकेनिज्म सीखना पड़ रहा है। तो अब ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि कॉमन टर्म्स कि मैं पहले से जानता हूँ इन सब चीज़ों को। तो ये बच्चे लैक करते हैं इस चीज से कि पहले इन सब बेस को तैयार किए बिना चैप्टर के अंदर डायरेक्टली अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं। चैप्टर के अंदर क्या होता है, बहुत डिफिकल्टीज होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है इसमें, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो जानते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ लें हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 हमसे नहीं बनता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 हमसे नहीं बनता है। और उसका क्या कारण है, अगर हम ढूंढे जाएं तो पता चलेगा कि कारण यही है कि हमने वो चार चैप्टर जो हमारा बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको बिना सीखे चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर लिया खुद को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा। तो मेरा यही सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि पहले इन चार चैप्टर के ऊपर कमांड हासिल करें, फिर आप चैप्टर में जाएं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना, ये हमारे सर केमिस्ट्री के टीचर, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लेकर, उनके स्टडी पर, उनके एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर बहुत अच्छे टिप्स दिए। मैं आशा करूंगी कि इनके टिप्स स्टूडेंट को काफी हद तक उनके प्रिपरेशन में मदद करेंगे। थैंक यू। रहमानिया के हेड मास्टर शुजात हुसैन ने HS क्लास के बच्चों को रोजगार के लिए तकनीकी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है, आइए सुनते हैं। लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, क्लास में पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हम लोगों से समय से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद जब वो पास हो जाते हैं तो उनके लिए नौकरी नहीं है बाजार में, तो उनको ऐसी अवस्था में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? न्यूज मूवमेंट का बहुत बहुत थैंक्स, आपने ये हमसे सवाल किया। एक्चुअली आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टूडेंट अगर साइंस पढ़ता है, आर्ट्स पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, उनमें इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप भी है, और बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर वो अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, तो हर फील्ड में उनके लिए जॉब के मौके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीक़ा के चीज़ पढ़ेंगे, BA, MA, तो उसमें हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कम हो, लेकिन उस पर किसी स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है और हर फील्ड में बहुत सारे स्कोप हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गार्जियन हैं और जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको आज के ज़माने में अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कोप है, उनके बारे में जानकारी दिया जाए, अवगत कराया जाए। हमारे बच्चों में भी टैलेंट की कमी नहीं है और जॉब रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं है। मेरा यही मानना है कि अगर वो ठीक से पढ़ेंगे और सही से अवेयरनेस करेंगे और अपने आप को अपडेट करेंगे कि क्या किस जॉब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है,
तो वो फैकल्टीज अपने अंदर डेवलप करना होगा तो उनको जॉब हर वक्त मिलेगा। आप देखें कंप्यूटर लाइन में जाइए, सॉफ्टवेयर लाइन में जाइए, अच्छे लड़के और लड़कियां हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा जॉब है कि वो एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह छोड़कर तीसरे जगह जाते हैं और उनका इनकम भी बढ़ता जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो अभी हैं वो कॉमर्स में भी बहुत सारे लाइन हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में लाइन है, आप फैशन डिज़ाइनिंग में लाइन है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर तरह का जॉब अवेलेबल है। थैंक यू। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। We also provide all types of competitive classes like SSC, RAIL, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. रहमानिया स्कूल के 11 क्लास के बच्चे ने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं। नमस्कार, मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल में, जहाँ पे हम कुछ बच्चों से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने भविष्य के बारे में उनकी क्या राय है, वो अपने भविष्य को लेकर क्या सोच कर रखे हुए हैं। जैसे कि बच्चे हमारा कल का भविष्य है और यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश की तरक्की और उन्नति में अपना काफी सहयोग दें, तो हम इन बच्चों का से जानना चाहते हैं। आइए मिलते हैं इन बच्चों से। अपना नाम? आप कौन से क्लास में? आप अपने भविष्य के लिए अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में क्या सोच? खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824067।
4975। जीवन के लक्ष्य के बारे में छात्रों का इंटरव्यू। रहमानिया स्कूल में हम कुछ लड़कों से भी मिले और उन्होंने भी अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर बहुत कुछ कहा है। आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी में वैकेंसी कम है, वैकेंसी नहीं है तो मान लो अगर वैकेंसी में नहीं मिल रहा है आपको तो उसकी बात क्या है? प्राइवेट है। क्योंकि अभी मान लो कि जॉब नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो हर चीज़ को बैलेंस है, तो प्राइवेट में कोई कंपटीशन नहीं है, है ना? तो उसमें आप क्या भला होता है? और अभी प्राइवेट जॉब में 12,000 रुपये मिलता है, ठीक है? तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, कैसा बिजनेस कर रहे हो कि आपको जाना है? लेकिन
गंभीर स्थिति में यही समाप्त होता, युद्ध चालू होता, हो गया है आपसे विदा लेने का यूक्रेन और रूस के बीच यह भयानक युद्ध लाइक शेयर एंड अस्तित्व के लिए लड़ रहा है एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन सर्वोच्चता के लिए इस तरह की परिस्थिति